बागी 2 की रिलीज डेट करीबन एक साल पहले ही 27 अप्रैल को तय कर दी गई थी और अब 2.0 की रिलीज डेट भी 25 जनवरी से आगे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। तो अब ये दोनों ही फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी। तो दोस्तों अब होगी बड़ी टक्कर, क्योंकि बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में एक साथ आने वाली है। बागी 2 एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और 2.0 एक साईफाई मूवी है। बागी 2 में आपको टाइगर दिखेंगे विलनों के साथ लाठू से बरसाते हुए, साथ ही टाइगर का होगा बेहतरीन स्टंट और फिल्म में होगा टाइगर दिशा का रोमांस। और इधर 2.0 में चिट्टी रोबोट दिखेगा नए लुक और नई पावर के साथ। साथ ही फिल्म में खिलाड़ी कुमार अक्षय डॉक्टर रिचर्ड की भूमिका निभाते हुए रजनीकांत ने डॉक्टर वसीकरण के साथ भिड़ेंगे। और 2.0 को विदेशों में भी कई लैंग्वेजों के साथ रिलीज किया जाएगा और फिल्म के लिए विदेशों से एडिटर बुलाए गए हैं और इसी कारण फिल्म में बेहतरीन एडिटिंग होगी और नए नए टेक्नोलॉजी इंडिया की फिल्मों में देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों फिल्मों के बजट डिफरेंस के कारण 2.0 को बड़ा फायदा है और इसी कारण बागी 2 के फैंस काफ़ी नाराज है, क्योंकि 2.0 का बजट ज़्यादा होने के कारण फिल्म में बहुत कुछ बेहतरीन होगा और 2.0 के साथ रिलीज होने वाली फिल्म सिनेमाघर में उतनी टिक नहीं पाएगी। तो अब लगता है इन दोनों फिल्मों में से किसी एक फिल्म की रिलीज डेट चेंज होगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म के साथ है हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।